दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देकर आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बात कर लेते हैं पहली न्यूज की, तो दोस्तों यहाँ पे पहली न्यूज जायडस की तरफ से निकल के आ रही है। जायडस को यहाँ पे इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है DCGI से। DCGI ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि दोस्तों वो यहाँ पर पेगी लाइटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B यानी कि शॉर्ट में बोले तो विराफिन वो यूज कर सकते हैं COVID-19 को जो भी इन्फेक्शन होते हैं एडल्ट्स के अंदर, वो यहाँ पर इस दवा को यूज कर सकते हैं जिसका नाम यहाँ पे विराफिन है। DCGI क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है, और ये दोस्तों ड्रग कंट्रोल करती है पूरे भारत के अंदर कि किस जगह पे ड्रग्स यूज होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे DCGI ने जायडस को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि इस तरीके के ड्रग्स को आप यूज कर सकते हैं COVID-19 के सिर्फ एडल्ट्स के इलाज के लिए, बजाय कि बूढ़े और बच्चों के इलाज के लिए, सिर्फ एडल्ट्स के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे TCI फाइनेंस की तरफ से निकल के आ रही है। TCI फाइनेंस में मिस्टर अमित कुमार रे ने अपनी पोस्ट से यहाँ पे रिजाइन कर दिया है दोस्तों, जो कि वो कंपनी के अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, और उन्होंने ये रिजिग्नेशन लेटर 23 अप्रैल 2021 को दिया, और उनकी जगह पे यहाँ पे मिस्टर संतोष कुमार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अब नए कंपनी के अंदर। तो दोस्तों ये TCI की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से निकल के आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंशियल सर्विस का Q4 का रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो दोस्तों 216 करोड़ रुपीज के आसपास उन्होंने इस साल का Q4 2021 के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 235 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करता हुआ नजर आया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक आप लोगों को नियर अबाउट प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी 8% आप लोगों को डाउन देखने को मिल रही है, मतलब कि इनका बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है COVID-19 की वजह से। नेट इनकम की बात कर लूं तो 3001 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया Q4 2021 के अंदर। वहीं पे Q4 2021 की बात कर लूं तो 3101 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया था Q4 2020 के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप नेट इनकम भी देखेंगे तो कंपनी का आप लोगों को डाउन ही देखने को मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे शिवा सीमेंट की तरफ से निकल के आ रही है। शिवा सीमेंट का भी यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। 2021 में Q4 के अंदर बात कर लूं तो दोस्तों कंपनी ने 5.7 करोड़ रुपीस का यहाँ पे नेट लॉस उठाया हुआ है। वहीं पे पिछले साल की बात कर लूं Q4 2020 के, तो वहां भी उनको लॉस ही हुआ था 6.3 करोड़ रुपीस का आसपास। वहीं पे दोस्तों नेट इनकम की बात कर लूं Q4 2021 के अंदर तो 7.9 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट किया यहां पे शिवा सीमेंट ने। वहीं पे Q4 2020 की बात कर लूं तो 8.5 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट करते हुए नजर आई थी शिवा सीमेंट की ये कंपनी। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की तरफ से निकल के आ रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का भी यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अगर आप 2021 Q4 के नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 94.4 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने जनरेट किया है। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो इन्होंने 110 करोड़ यानी कि 110 करोड़ रुपीज के आसपास नेट लॉस इन्होंने झेला हुआ था। तो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉस मेकिंग से प्रॉफिट बनती हुई नजर आ रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की कंपनी है, और नेट इनकम की बात कर लूं तो 732 करोड़ रुपीस के आसपास Q4 2021 के अंदर जनरेट किया। वहीं पे Q4 2020 की नेट इनकम की बात कर लूं तो 116 करोड़ रुपीस के आसपास आप लोगों को जनरेट करते हुए नजर आई थी। तो एक अच्छी ग्रोथ यहां पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो मे भी आप लोगों को इस स्टॉक पे नजर बना के रखिएगा, हो सकता है आप लोगों को ये कंपनी का स्टॉक भी भागता हुआ नजर आए। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहां पे HCL टेक्नोलॉजीज की तरफ से निकल के आ रही है। HCL टेक्नोलॉजीज का भी यहां पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है।
क्वार्टर फोर 2021 के अंदर नेट रेवेन्यू की बात कर लूं तो दोस्तों इन्होंने जनरेट किया 19,641 करोड़ रुपीस के आसपास। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर नेट रेवेन्यू की बात कर लूं क्वार्टर फोर 2020 का, तो इन्होंने जनरेट किया था 18,587 करोड़ रुपीस के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं HCL टेक्नोलॉजीज का। तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हमारे पास इतनी ही न्यूज थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।